आया, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया है। इसे दिल फेफड़े गुर्दों पे ना लें और हेडफोन लगा लीजिए, एक दो गाली के बाद मिल जाएंगे। चलता हूँ, आया चलो स्टार्ट करते हैं। Hey, y'all, come look at this. We are back. आज सुनने वाले टोनी कक्कर का नया गाना, तब तक सुनेंगे जब तक अपने को उल्टी ना आ जाए। आ जाओ सीधा शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताओ, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम मुंह में लेके आगे पीछे करते हैं? आइसक्रीम। नहीं, जवाब गलत है, कुछ और सोचे। जवाब तो इसका एक और भी है। अबे तो मौज कर दे। ब्लू चीज। प्यारी समझ ली। काटा लगा ओए मां ओए मां ओए मां ओए मां ओए मां ओए मां काटा लगा। छोड़ रे। हेलो गाइस, बहुत ही जल्द आईपीएल शुरू होने वाला है और सभी बहुत ही बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। पर अभी बहुत सारे क्रिकेट मैचेस जैसे इंडिया इंग्लैंड और भी इंटरेस्टिंग मैचेस चल रहे हैं। और OneXBet अभी गुड न्यूज़ लाया है कि OneXBet अभी इंडिया का बुकमेकर है जिन्होंने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन लिया है फ्रॉम कुड़ियाको लाइसेंस। OneXBet आपकी विड्रॉ एंड डिपॉजिट में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है एंड मेक श्योर करता है ताकि आपकी विनिंग रिसीव हो। मेरे सब्सक्राइबर के लिए $100 फॉर देयर फर्स्ट डिपॉजिट आप इजीली विड्रॉ कर सकते हो पेटीएम एंड बैंक के थ्रू। तो फॉलो कीजिए, लिंक एंड प्रोमो कोड इन द पिन कमेंट। एंड अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो प्ले विथ OneXBet। तो ये जैकी ने अपनी फोटो डाली है, योगिनी। किसने लिखा है? फर्श का पोछा सूख गया है, अब आप नीचे आ जाओ। नीचे लिखा है, योगा को कोई ऊपर लेके गया है तो आप बाबा रामदेव तो चटाई पे कराते रहते हैं। गजब बेइज्जती है। थोड़ा और ऊपर आ जाओ, मैं ऊपर वाले फ्लैट में। बॉय सैफ सर, आपने कमेंट देखा? अरे कौन, मैं तो अभी तक फोटो को घूर रहा हूँ यार। यू हैव व्हाट इज, तुम्हारे पास क्या है? मी हैव मॉम इज, मेरे पास माँ है। Once more. डायलॉग आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें कि मैं अपनी बाप की मौत का बदला लेने आया हूँ। टुडे आई यू माई फादर ऑफ द डेट डेथ ऑफ द चेंज कम इट, आज मैं तुमसे अपने बाप का बदला लेने आया हूँ। Not bad. Now you. ये बढ़िया था। क्या बना रहे हो? जीन्स और टी शर्ट ले आऊं मैडम? मैं जीन्स और टी शर्ट पहनूंगी मिस्टर साजन। तो क्या पहनेंगी मैडम? मैं बिकिनी पहनूंगी। बेटा मन में लड्डू फूटा? तो वो अभी घर में तो नहीं है, मैं बाहर से फटाफट से जाके लेके आता हूँ मैडम। ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हाँ बेबी, मैं नहीं दिखाऊंगी, तुम अकेले थोड़ी रहते हो। बाबू यू डोंट ट्रस्ट मी, मैं अकेला हूँ यार। झूठ बोल रहा है। मैं जब सामने होंगी ना तब तुम कुछ भी कर लेना, मैं तुम्हें रोकूंगी थोड़ी। पर बाबू मूड तो भी है ना यार। देख रहा ना चैटर्जी, देख रहे हो? अच्छा तुम खाओ मेरी कसम कि तुम अकेले हो। तुम्हारी कसम मैं बिल्कुल अकेला हूँ। कहना? हाँ बेबी पक्का।
in the lung. She's gonna be in the flood. हम ये भी तो देख सकते हैं कि भाई वो भी हमें देख रही है, हम भी उसे देख रहे हैं, तो हम उसे प्रपोज करें। तो यार लड़के ने जरूरी थोड़ी है कि लड़का प्रपोज करे, लड़की भी आगे प्रपोज कर सकती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। कॉमन सेंस है। ऑब्वियसली क्यों नहीं है? ऑब्वियसली मुझे लगता है नहीं है, अभी जब मैं सवाल करूंगी तो करना। अच्छा मुझे ये बताएं वो क्या है जो लड़का करे तो लड़की को अच्छा लगता है? चप्पा चप चप्पा चप। क्या है जो लड़का करे तो लड़की को अच्छा लगता है? अरे हाँ भाई हाँ, ऐसा तो बड़ा कुछ है, बताने वाला नहीं है। बड़े होके क्या बनना चाहते हो? हीरो, साइंस टीचर, क्रिकेटर, एक्टर, सुपरस्टार। मैं हाँ तुम ही जलन। क्या जलन? शाबाश बेटा। पहले बनना था सिंगर, लॉयर, डॉक्टर, पर टेंथ के बाद जब देखा तो फिर चूतिया बनने के अलावा कुछ नहीं बनना था। बेटा शिवम, क्लास के बीच में क्या खा रहे हो? कॉर्नफ्लेक्स मैम। ये खत्म हो जाएगा ना तो अपनी मम्मी का नंबर मुझे भेजना, ठीक है? तीन टेस्ट बम किए तुमने, घर बैठे हो तो मनमानी चल रही है? हा? नहीं मैम, वो एक्चुअली मम्मी है ना जबलपुर में फंसी हुई है, तो घर पे सिर्फ मैं और पापा है, तो जो खाने को है वो है। हे भगवान, कैसी औलाद पैदा की है मैंने। आ जा जा जा। लड़की, बस और ट्रेन, एक जाएगी 36 आई। अरे भाई आखिरी मेट्रो थी ये, आखिरी थी। पैरों से बजा रही थी और पता नहीं फ्लूट कहाँ से बजा रही थी, हमको पता नहीं है। मैं फ्लूट बजा लेती हूँ कहीं और से भी। ये क्या बात करते हैं यार, मैं तो नहीं बजाता। बता ऐसे ऐसे और चलो कहीं कोई कोई बजाता है वहाँ से फ्लूट, मतलब कुछ भी। मैम आप भी तो बजाते होगे ना? मेरा तबला बजता है। तेरा बर्थडे बिड्डे है क्या रे? हाँ भाई, थैंक्स। तेरा सरप्राइज आया देख ले। सरप्राइज है तो बोल क्यों रहे? ये अजय, पानी तो आ नहीं रहा, तू हाथ कैसे धोया? Hi guys, तो आजकल इंडिया में lack of money के कारण या फिर बेरोजगारी के कारण बहुत ज्यादा युवा जो हैं वो देसी पौवे या फिर बीड़ी की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि वो सस्ती आती है। अब ये सस्ती चीजें करती क्या है, बहुत खतरनाक बीमारी को जन्म देती है जो है प्रोकेस्टिनेशन, कामों को टालने की बीमारी। तो आज का हमारा ट्यूटोरियल यही है कि इन बीमारियों से कैसे बचा जाए और इन गंदी चीजों से कैसे दूर रहा जाए। तो छोटा सा ट्यूटोरियल है और खैर अभी तो बहुत ज़्यादा शाम हो गई है, खाने वाने का टाइम हो गया, तो अपन ये ट्यूटोरियल कल का रखते हैं, कल तो संडे है, तो अपन ये ट्यूटोरियल मंडे का रखते हैं और मंडे को अपन पक्का ये ट्यूटोरियल रखेंगे और कर ही लेंगे, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो प्रेडिक्ट ऑन 1x बेट। पांटा लगा। क्या करता है रे तेरी तो? रोक रोक रोक, इसको पूछते हैं। हेलो, ठेका किस तरफ है यार?